हमारे ऊपर जुल्म होते चले आ रहे थे, हम इनको अपना माई बाप कहते हैं कि जी मोदी जी हैं, शाह जी हैं, लेकिन हम ये बोल जाते हैं कि ये कोई शाह वाली ही हमारे घर के नौकर हैं। फिर हमने ऐसे दलालों को चुना और इन्होंने क्या करा, ये हमें बेच के खा गए। अगर हम पत्थर मारते हैं तो हम पत्थर गैंग, टुकड़ा गैंग, आतंकवादी, खालिस्तानी, खालिस्तानी पाकिस्तानी बना दिए जाते हैं। जैसे मोदी जी ने गुजरात मॉडल देके कहा था, देखो मैंने मुसलमानों को कैसे मारा, क्या पंडित जहाँ से आए क्या वहाँ से दलित नहीं आए, वहाँ से मुसलमान नहीं आया? ठीक है, कौन लोग हैं जो वायरल करते हैं? ये यही लोग हैं वायरल करते हैं कि ताकि समाज में दहशत पैदा हो। किडनी पेशेंट हूँ, किडनी फेलियर हो रही है, उसके बावजूद मुझे लगता है कि नहीं, फिर भी कुछ करके जाना चाहिए, इस भारत को बचाना चाहिए। मैं अपनी स्टार्टिंग यहीं से करूँगी कि गैर परोसे उठ सकते हो हद से हद दीवारों तक, गैर परोसे उठ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो हो जाएंगे जिनके अपने पर होंगे। मैं कोई इतनी ख़ास नहीं थी, शायद ऊपर वाला मुझे ख़ास बनाना चाहता था, मैं भी आपकी तरह से एक आम सी लेडी थी। जब जामिया में प्रोटेस्ट चल रहा था तो मैंने भी उस पर शिरकत करी, और जब पुलिस ने मुझे मारा तो फिर मैंने सोचा क्या मुझे घर वापसी करनी चाहिए या यहीं पर रहना चाहिए। उसी वक्त मेरे दिमाग ने क्लिक करा कि अगर मैंने आज घर वापसी कर ली तो ये हमें घरों में घुस घुस के मारेंगे। उस वक्त फिर मैंने माइक उठाया और फिर मैंने बोलना शुरू करा, जो भी मैं बोल सकती थी, जो सबकी आवाज़ थी। फ्रस्ट्रेशन था हमारे अंदर, जो हमारे ऊपर जुल्म होते चले आ रहे थे। हम इनको अपना माई बाप कहते हैं कि जी मोदी जी हैं, शाह जी हैं, लेकिन हम ये बोल जाते हैं कि ये कोई शाह वाली ही हमारे घर के नौकर हैं। जब हम अपने घर में आराम करते तो नौकर लगाते, तू खाना बना दे, तू झाड़ू दे दे, तू पोछा लगा दे। तो जब हम मुल्क नहीं चला सकते थे, जाहिर सी बात है हमें भी ऐसे लोग चाहिए थे जो हमारे मुल्क की रखवाली करते, तो जब 140 करोड़ लोग पार्लियामेंट में नहीं आ सकते थे तो जब हमने इन जैसे दलालों को चुना और इन्होंने क्या करा, ये हमें बेच के खा गए। फिर मैंने लोगों को समझाया कि इनको अपना खुदा मत समझिए, ये हमारे नौकर हैं और 5 साल के लिए आए हैं। भारत जैसा था वैसा रहेगा, संविधान जैसा था वैसा रहेगा, हिंदू मुसलमान जैसा था वैसा रहेगा, लेकिन ये आएंगे जाएंगे, कितने कमल आएंगे, कितने हाथ आएंगे, कितने हाथी आएंगे, नौमालूम कौन कौन से पंजे वंजे सब आएंगे। तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि एक जज्बा था, मैं किसी पार्टी से नहीं थी, किसी NGO से नहीं थी, आप लोगों ने मुझे बहुत ख़ास बना दिया। कश्मीर के लिए भी मैंने बहुत आवाज़ें उठाई, हालांकि कश्मीरी आज भी मुझसे बड़े नाराज़ रहते हैं कि मनीष जी तुम इतनी पॉपुलर फेस हो, इंटरनेशनल तुम्हें लोग सुनते हैं, लेकिन तुमने हमारे पे आवाज़ें नहीं उठाई। मैंने बहुत से लाइव उठाए, बनाए, बहुत से कश्मीरियों पे आवाज़ उठाई कि कश्मीरियों पे किस तरह जुल्म करा जा रहा है, और हम लोग जो इंडियन हैं हमने कभी कश्मीरियों को अपना समझा ही नहीं, हमने कश्मीरियों को खुद एक समझा कि अलग मुल्क है कश्मीर, आतंकवादी, पत्थरबाज। आप कुछ सोचें, अगर हमारे पे हमला होता है, हमारी फैमिली पे हमला होता है, तो क्या हम पत्थर भी नहीं उठाएंगे? सामने वाला हमें मार रहा है, सामने वाला हमारी बहनों की, हमारे सामने इज्जतें लूट रहा है, हमारे पास सबसे ईजी क्या होते हैं? पत्थर होते हैं, तो क्या हम पत्थर भी नहीं मारेंगे? अगर हम पत्थर मारते हैं तो हम पत्थर गैंग, टुकड़ा गैंग, आतंकवादी, खालिस्तानी, खालिस्तानी पाकिस्तानी बना दिए जाते हैं। तो ये हिंदुस्तान वालों की शायद एक कमजोरी थी, या ये कहिए बेहिसी थी, कि कश्मीर हमसे दूर होता चला गया और आज कश्मीर बर्बाद हो गया। कश्मीर को बर्बाद करा, किस तरह बर्बाद करा सबने देखा, और कमाल की बात ये जिस बेस पे बर्बाद करा, आतंकवाद आज भी वहाँ पर जिंदा है। तो इसका मतलब ये आतंकवाद वहाँ पर था ही नहीं, आतंकवादी खुद थे, ये खुद थे आतंकवादी, और ये घर में किसी के भी घुस घुस कर किसी को भी मार देते हैं। जब मैं 14-15 साल की थी तो एक कौमी आवाज़ पेपर आता था, मैं पढ़े उसको पढ़ती थी, तो उसमें मुझे बहुत पढ़ने का मौका मिलता था कि कश्मीर में कोई भी लड़की विर्जिन नहीं है, सब लड़कियां बहुत ज़्यादा लूटी पिटी हैं, बहुत ज़्यादा जुल्म का शिकार है, चिनार बुढ़े हो चुके, आज भी वहाँ पर ऐसी लड़कियाँ हैं 40-40 साल की हो गई, शादियाँ नहीं होती उनकी। तो बहुत ज़्यादा दिल के करीब इंसानियत रही, और इस इंसानियत ने मुझे ऐसा बना दिया कि अब मैं मौत से नहीं डरती, मुझे कोई भी मार दे, लेकिन हाँ जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते उठाते मैं भी कुर्बानी दूंगी। तो बस मेरा मानना यही था कि हिंदुस्तान में बोलना इस वक्त बहुत ज़्यादा एक मुश्किल हो गया जब से BJP सरकार आई है, लेकिन क्योंकि मेरे पास एक पावर थी कि मैं एक फीमेल कैटेगरी से आती थी, तो 30% शायद मैं सेफ थी, 70% मैं भी खतरे में हूँ, लेकिन मर्द जो है वो 100% खतरे में रहते हैं। तो मैंने बहुत चाहा कि मैं अपनी जैसी बहुत सारी अमलिस भी पैदा कर पाऊँ, बना पाऊँ। मैंने बहुत कहा कि अपने अपने घरों से हमें औरतों को निकालना होगा, हमें अपनी बहनों को, अपनी माओ को निकालना होगा। दूसरों की माएँ बहनें क्यों बोलें, वो मेरी बहनें क्यों ना बोलें, मेरी माएँ क्यों ना बोलें? तो इस समाज में इस वक्त अगर ज़रूरत है तो सबसे ज़्यादा औरत को बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि एक औरत पूरा समाज बनाती है।
जिस तरह आज ये जो एक प्रोग्राम है कि भीड़ द्वारा लोगों को मारा जाना, तो ये वाकई बिल्कुल सही है। नदीम साहब ने भी बोला, सब लोगों ने अपने अपने वक्ताओं ने बहुत अच्छा रखा कि भीड़ द्वारा जो मारा जाता है ये अचानक में नहीं मारा जाता, ये पूरा कोऑर्डिनेट होता है जो सरकार द्वारा कोऑर्डिनेट करा जाता है। जैसे मोदी जी ने गुजरात मॉडल देके कहा था, देखो मैंने मुसलमानों को कैसे मारा, इस तरह तो मुसलमानों का नरसंहार जेनोसाइड करना, और उसके बाद आप देखिए क्या हुआ था, जगह जगह हुआ था। आप देखिए कि दिल्ली में किस तरह केजरीवाल ने मुसलमानों पे जुल्म करा था, और तादाद कितनी बताई, 200 मरे, 250 मरे, जनाब 200 250 नहीं, हजारों लोग मरे थे। मैंने खुद जाकर ग्राउंड पर देखा था, कई कई हजार लोग ऐसे नाले में भरे पड़े थे, वहां पर पुलिस द्वारा मारा गया, लोगों द्वारा मारा गया, और फिर उठाए कौन गए, वही मुसलमान आज भी जेलों में भरे जा रहे हैं, मुसलसल भरे जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा सरकार हमारे साथ क्यों करती है, वो हमारा डर है, हम डरते हैं, हम ये सोचते हैं कि अगर मौत हो तो पड़ोस में हो, खुशियां हो तो मेरे घर में आए, जनाजा पड़ोस से उठे, शादियाने मेरे घर में बजे। तो आज हमारा जो भारतीय समाज है वो रंगीन कफनों में लिपटी हुई लाशें बन चुका है, एहसास नहीं होता, हमें फीलिंग नहीं होती, हमें दर्द नहीं आता। जब अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, तमाम जीव जंतु में सबसे ज़्यादा आला बनाया है, तो फिर ऐसी क्या वजह है कि जब हमारे किसी भाई पर हमला होता है, मज़हब को छोड़िए जनाब, क्या हिंदू इंसान नहीं होता, क्या सिख इंसान नहीं होता, क्या दलित अपनी माँ की कोख से नहीं आए, क्या पंडित जहाँ से आए क्या वहाँ से दलित नहीं आए, वहाँ से मुसलमान नहीं आया। तो जब दूसरी कम्युनिटी पर हमला होता है, क्या इंसानियत शर्मसार होती है, हमें अफसोस होता है, नहीं होता। जब अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर एक इंसान की सुई चुभे तो पक्का इंसान और मोमिन वो है कि उसको दर्द हो, क्या हमें दर्द होता है, नहीं होता। हम क्या करते हैं, अपना मोबाइल उठाते हैं, स्टेटस चमकाते हैं, फोटो क्लिक करते हैं, उतनी देर में जहां मॉब लिंचिंग हो रही होती हम उसका कीमा कोफ्ता बना सकते हैं, लेकिन नहीं बनाते, फोटो खींचकर स्टेटस पे लगा लेते हैं, यहां मॉब लिंचिंग, वहां मॉब लिंचिंग। और ये मॉब लिंचिंग जहाँ पर होती है, 140 करोड़ में अगर एक दलित मारा जा रहा है, एक मुसलमान मारा जा रहा है, फिर वायरल होता है, तो आप सोचिए कि कौन लोग हैं जो वायरल करते हैं, ये यही लोग हैं वायरल करते हैं कि ताकि समाज में दहशत पैदा हो। आप किसी बंदर के बच्चे को मारकर दिखा दीजिए, आप देखिए किसी बंदर के बच्चे को या बंदर को आप अटैक करके दिखाइए, खुदा की कसम पूरे बंदरों का झुंड आपको नोच के खाएगा, सब मार देंगे आपको, फिर इंसान को किस तरह कोई मार सकता है। तो ये आपकी गफलत है कि जब आपका भाई आपकी माँ लूट रही होती है और आप आराम से कन्नी काट के निकल जाते हैं, हाय मेरी बेटी अभी सेफ है, घर में छोड़ कर आया हूँ। तो ये एक के बाद एक प्री प्लान कम्युनिटी को टारगेट करा जा रहा है, टारगेट करने वाली कोई नहीं है, वही है तमाम भगवा आतंकवादी, RSS की तमाम ये वो नाजायज औलादे जो सुबह शाम अंग्रेजों के पेशाब से कुल्ला करके कहते थे कि हाँ हम तुम्हारे वफादार हैं, हम तुम्हारे जूते चाटते हैं, आज वो हमें बताएंगे कि संविधान क्या है। आप देखिए अभी 3 दिन पहले हरिद्वार में क्या हुआ, 16, 17, 18 में, 3 दिन पहले मुझे इसलिए लग रहा है कि मैं अभी हॉस्पिटल साइड, मुझे लग रहा है रिसेंट हुआ है वो, 17, 18, 19 में धर्म संसद सजाई जाती जहां खुल्ला खुल्ला कहा जाता है कि मुसलमानों को इसी तरह मारो जैसे बर्मा में मारा गया, बापू को मारो, सब वो बन जाओ, नाथूराम गौड़ से बन जाओ और हमारा बस चलता, हम तो मनमोहन को मार देते, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। तो यहाँ पर वजह हम हैं क्या, जितनी उत्तर प्रदेश में पार्टियां हैं, जितनी भी तमाम पार्टियां, किसी ने वहां पर जाकर कंप्लेन कराई, कांग्रेस ने कराई, अखिलेश ने कराई, चंद्रशेखर आजाद जो कूद कूद के हर जगह अपने आप को कहते हैं कि हाँ भाई मैं दलितों का मसीहा, उन्होंने कराई, किसी ने कंप्लेन नहीं कराई। तो सिर्फ चीखम चिल्ली मचाकर समाज नहीं बदलेगा, कोई भी इनकलाब जब आता है, जब आप दिल से मौत का खौफ खत्म कर देते, चीखम चिल्ली मचा के इनकलाब नहीं आता, भीड़ आ जाए, भीड़ कब खत्म हो जाएगी, शाहीन बाग बैठा था, 350 शाहीन बाग बैठे थे, खत्म हो गए, सरदार किसान बैठे थे, खत्म हो गए, चले गए। तो इनकलाब जब ही आता है जब हम अपने अंदर से मौत का खौफ खत्म कर देते, जिस तरह कश्मीरियों ने करा, कश्मीर का बच्चा बच्चा देखे कैसा जीता है, मरने से नहीं डरता। पहले मुझे पुलिस से बड़ा डर लगता था, जहाँ पुलिस वाला देखा मेरा बीपी हाई, अल्लाह ही उठाना, नहीं क्योंकि सबसे बड़े गुंडे यही होते, वर्दी वालों से बड़ा गुंडा कोई भारत में है ही नहीं। लेकिन जब NRC बैठी फिर मुझे लगा नहीं, डर के आगे जीत के, फिर मुझे लगा हाय कश्मीरी बाकी कितना जीदार है, इनके साथ उठता बैठता है, इनको हर जगह देखता है, तो ये इसी तरह जीदार बन गया जैसे दिल्ली की वो तमाम शाहीन बाकी शेरनियाँ बन गई इनके साथ रह रहकर, कि हमें अब इनसे डर नहीं लगता। पुलिस वालों से मैं इतना सा भी नहीं डरती, खुलकर बोलती हूँ कि भारत में अगर कोई सर्टिफाइड गुंडे हैं, वर्दी वाले गुंडे हैं, तो सबसे बड़ी भारत की पुलिस है जो संविधान की कसम खाती है और संविधान की धज्जियां उड़ाती है। तो इस वक्त हमें एक होने की जरूरत है,
सिर्फ हमें एक होना है, सबको अपने वोट की वैल्यू समझनी है। चाहे हम झुग्गी में रहते हैं, चाहे हम महल में रहते हैं, हमारा वोट भी उतना ही वैल्यू करता है जितना मोदी जी का करता है। तो हम जो बिक जाते हैं, पौवे पे बिक जाते हैं, 500 रुपए पे बिक जाते हैं, नहारी ताज जैसे भी बिकते हैं, हमें नहीं बिकना है। हमें अपने वोट को सही जगह यूटिलाइज करना है, सही जगह उसको देना है। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आप देखिए, मुझे तो नजर नहीं आता कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो पाएगा। जहां तक मेरा दिमाग कहता है, वहां पर इमरजेंसी के हालात बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर फिर पूरी उम्मीद है कि योगी हारेगा। अभी इमरजेंसी लगाएंगे, फिर ताले फिरी देंगे, मोदी जी का इश्तहार होगा, तेल देंगे, सब देंगे, और फिर जितने लोअर तबके वाले हैं ये 2 महीने में अपना पेट इतना भर के सोचेंगे, नहीं मोदी जी हैं 5 साल खिलाएंगे। तो ये जो तमाम स्ट्रेटेजी हैं, तमाम लोगों को इस पर अमल करना चाहिए, तमाम समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। और हम जो कहते हैं कि ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, मैं भी हिंदू हूँ, हम दरियाए इंडस के बराबर में रहते हैं, इसलिए हम हिंदू कहलाते हैं, यानी इंडू कहलाते हैं, हिंदुस्तान, दरियाए इंडस के बराबर में रहने वाले इंडू कहलाते हैं, उससे ही इंडिया बना। तो ये जो लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, हिंदू तो वाकई कोई मजहब नहीं होता, सनातन धर्म होता है, लेकिन ये इतने चालाके साल भर करके तमाम नाजायज औलादे इतनी चालाके, इन्होंने धर्म ही बना लिया हिंदू 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 करके। हिंदू कोई धर्म नहीं होता, अगर होता तो भारत का हर बंदा हिंदू है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सरदार हो, चाहे वो ईसाई, क्योंकि हम दरियाए इंडस के बराबर में रहते हैं और फखर से कहते हैं हाँ हम हिंदू हैं, क्योंकि हम दरियाए इंडस के बराबर में रहते हैं। तो आप लोगों को इनकी चाल समझनी होगी। हमें शिकायत नहीं है भगवा आतंकवादी क्या करते हैं, हमें शिकायत उन लोगों से है जो तमाम जुल्म देखने के बावजूद चुप बैठे हुए हैं। हमें उन मुर्दा लोगों को जगाना है। हमें परवाह नहीं 3% क्या आतंक उतारते हैं, हर जगह आतंकी होता है। अगर माँ बाप की 4 औलादों की एक निकम्मी भी होती है तो वही निकम्मे लोग हैं जो आतंक फैला रहे हैं। हम उन लोगों को ढूंढेंगे जो भारत में चुप बैठे हुए हैं और अच्छे लोग हैं और जिनकी तादाद 95% है। तो हमें उन 95% लोगों को जगाने का काम करना चाहिए और इस तरह की सभाएं करके एक प्रण लेना चाहिए कि आप बताइए कि आपने कितने लोगों को जगाया, आपने क्या अपना इलाके में आपने किस तरह की सभाएं करी, कितने लोगों को आप समझा पाए कि संविधान क्या है। ये दलित कम्युनिटी आती है, बहुजन कम्युनिटी, जो अपने आपको बहुत ज़्यादा लोअर समझती है, लेकिन ये क्यों नहीं समझते कि भारत में जो एक मजहबी ग्रंथ है, जो संविधान है, वो भीमराव अंबेडकर ने दिया था, किसी मुसलमान ने नहीं दिया था, किसी पंडित ने नहीं दिया था। तो फिर आप इंपीरियल में क्यों जाते हैं? आपको फख्र से कहें हम अंबेडकर वादी हैं, भारत संविधान पे चलता है और ये संविधान हमारे भीमराव अंबेडकर ने दिया था। तो ये तमाम जो आपके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, पहले आप लोगों को उससे निकलना होगा, खासकर दलित समाज को, बहुजन समाज को, वाल्मीकि समाज को, और इसके लिए बाकायदा सभाएं होनी चाहिए, इनके दिमाग में भरना चाहिए कि तुम जंजीरों से आज़ाद होने के बाद भी आज जो तुम जंजीरों के अंदर खुद को कैद पाते हो, तुम गुलाम नहीं हो, तुम्हारे ही पूर्वज थे भीमराव अम्बेडकर जिनके संविधान से आज भारत चलता है। अगर तुम टूट जाओगे, तुम अपने आप को गिरावा समझोगे, तुम क्यों नालियां साफ करोगे, तुम क्यों सीवर साफ करोगे, तुम क्यों कूड़ा उठाओगे, ये क्यों नहीं उठाएंगे? एक दिन नहीं, आप 3 दिन अगर आप इनका कूड़ा उठाने का काम, सीवर साफ करने का काम बंद करते, पूरा भारत सड़ान का ढेर बन जाएगा। अपनी पावर संभाल समझो कि तुम लोग हो क्या। तो ये तमाम का तमाम जो एक अवेयरनेस का कैंप इन्होंने भी चलाया है और लोगों को भी चलाना चाहिए, हमें ये बताना चाहिए कि भारत में कोई भी कमतर नहीं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सनातन हो। कुछ पंडितों की शायद हो सकती है कि घुसपैठ हो, अब हम ये नहीं कह सकते हम तमाम पंडितों को गाली देना शुरू कर दें। मैं भी पंडितों में उठते बैठते ही, मेरा तो पंडितों में रिश्ता भी हो गया था, बस मेरे पापा तैयार हुए कि नहीं भाई हमारी बच्ची है मुसलमान बच्ची है, तो वो तो कहती है अपने मजहब पर चलती रहेगी, हम अपने मजहब पर चलते रहेंगे। और जब उस वक्त मेरी मात्र उम्र 14 साल थी तब मेरा रिश्ता पंडितों में हो रहा था, तो मैं तो पंडितों को गलत नहीं कहती, लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कमियां हर जगह होती, हर समाज में कोई ना कोई कैंसर का रूप लेता है। तो इस वक्त जो समाज में कैंसर का रूप लेके एक चीज उभर रही है वो है आरएसएस, जो सिर्फ डिजिटल मुजरे करती है, डिजिटल में आपको डराती है, तमाम का तमाम डिजिटल इन्होंने कैप्चर कर रखा है। और जमीन पे आप तमाम लोग मोदी को भी गालियां देते हैं, बीजेपी को भी गालियां देते हैं, आरएसएस को भी गालियां देते हैं, उसके बावजूद ये जीत भी जाते हैं। तो ये हमारी कमियां है कि हम अपने वोट को क्यों नहीं सिक्योर कर पाते, हम उन मशीनों की क्यों नहीं रखवाली कर पाते, और सबसे पहले हम ये कंपेन क्यों नहीं चलाते जब भारत एक जाहिल मुल्क है जहां पर अंगूठा छाप आज भी 55% लोग पाए जाते हैं। हम क्यों करें ईवीएम से प्रचार, हम क्यों दें वोट, हम क्यों ना दें ब्लैक पेपर पे? जिन लोगों ने ईवीएम की इजाद करी वो तो आज भी कागज पे वोटिंग करवाते हैं, और भारत इतना डिजिटल है कि मशीनों पे करवाते हैं।
क्योंकि इनको पता है कि ये मशीनों का ही खेल है, मशीनों में ही कुछ ना कुछ ये घबड़घोट कर देते हैं। और इसकी जो बानी है भारत में लाने वाला है मशीन कोई नहीं, ये हमारा पंजा ही कांग्रेस है। कांग्रेस सोच रही थी कि जहां हम हारेंगे वहां हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ऐसी ऐसी जगह से बीजेपी इनको करेगी कि जिंदगी भर इनको वापस नहीं आने देगी। तो सबसे पहले भी ईवीएम का बहिष्कार करना चाहिए। और जहां जिस तरह के मेन टॉपिक है आज का जो है ये कि भीड़ द्वारा किसी इंसान को मारना, इस पे हमें आवाज उठानी चाहिए। बेटियां सबकी सांझी होती है, वो तेरी मेरी नहीं होती, वो हमारी होती हैं, वो सब पूरे भारत की बेटियां। और भारत माता की जय होती है, भारत पिता की जय नहीं होती। सरस्वती को माता कहते हैं, काली को माता कहते हैं, सबको माता कहते हैं, लूटते भी फिर अपनी माँ को ही है। तो कैसे लोग हैं, कैसे नरभक्षी, उस वाली चीज को आपको समझना होगा। और हर समाज में अपनी घर में अपनी बेटियों को पढ़ना देना चाहिए और इनको कुछ ऐसे बिजनेस करने देने चाहिए ताकि इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है वो लेवल बूस्ट हो। मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी, शायद आवाज़ भी साथ ना दे, बहुत सारे लोग भी हैं, बस मैं यही कहूंगी कि आप तमाम लोग एकजुट हो जाएं। और फिर एक ये कि जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है, कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन। अभी आप नहीं बोल रहे तो कुछ दिन बाद आपका बोलने का इख्तियार भी छीन लिया जाएगा। तो बस मैं आपको यही कहूँगी कि ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी हमें जीनी नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दे। शुक्रिया अल्लाह। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।